वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मोविनस यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं 10 बड़ी नई साउथ की हिंदी डब मूवीज़ के बारे में। सो दोस्तों, इन 10 बड़ी मूवी में से 7 मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका एंड एक मूवी की कंफर्म वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर रिलीज डेट बताने वाला हूँ एंड 2 मूवी की कंफर्म अपडेट्स मैं आप सभी को देने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, तभी तो आप वीडियो को पूरा समझ पाएंगे कि कौन सी मूवी का लिंक कहां पर मिलेगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक पर मूवी आती है नी मुरंधु नील, जो कि 2014 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर सस्पेंस रोमांस कॉमेडी मूवी थी। स्मू के लीड रोल में जयम रवि, आमला पॉल, सूरी स्मू के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को एक्शन थ्रिलर कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते तो आप इसमें को डेफिनेटली देखिएगा। स्मू की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिलती है। ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है जी नेटवर्क ने और इस मूवी के हिंदी डब वर्जन का टाइटल का नाम रखा है डेयरिंग मर्द के नाम से, इसमें को डब करवाएगा। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। मूवी को देखना चाहते तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप इसमें को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर भी देख सकते हैं। नंबर दो पर मूवी आती है उर्मी, जो कि 2011 में रिलीज एक्शन थ्रिलर एडवेंचर मूवी थी। स्मू के लीड रोल में पृथ्वीराज, जनिका, प्रभु देवा, स्मू के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को एक्शन थ्रिलर एडवेंचर मूवी देखना पसंद करते तो आप इसमें को डेफिनेटली मिस मत करें। ये मूवी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरटेन करने वाली मूवी रहने वाली है एंड इसमू की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग ली एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को एक अलग लेवल की रिस्पॉन्ड मिली थी एंड इस मूवी की इंदर डबिंग कम्प्लीट करवाई है सिनिकॉन मूवीज़ ने और इस मूवी की इंदर वर्जन का टाइटल का नाम रखा है ये योद्धा सूरवीर के नाम से, इसमें को डब करवाएगा। ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है। मूवी को देखना चाहते तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर तीन पर मूवी आती है यारा कुगा दली, जो कि 2012 में रिलीज एक्शन ड्रामा रोमांस मूवी थी। स्मू के लीड रोल में पुनीत राजकुमार, भावना योगेश, स्मू के लीड स्टार में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को एक्शन ड्रामा रोमांस फिल्में देखना पसंद करते तो आप इसमें को डेफिनेटली एक बार देखिएगा एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.2 out of 10 की रेटिंग मिली थी। ये मूवी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है रुद्रा साउंड एंड डबिंग स्टूडियो में, इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई गई है और इस मूवी की हिंदी डब वर्जन का टाइटल का नाम रखा है नायक द हीरो 2 के नाम से, इसमें को डब करवाएगा। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। मूवी को देखना चाहते तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इनाइका नोकी पैम थोटा, जो कि 2019 में रिलीज हुई थ्रिलर एक्शन ड्रामा रोमांस मूवी थी। स्मू के लीड रोल में सुपरस्टार धनुष, मेगा आकाश, एम शशि कुमार, स्मू के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को एक्शन थ्रिलर ड्रामा रोमांस फिल्में देखना पसंद करते तो आप इसमें को डेफिनेटली एक बार देखिएगा एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.7 out of 10 की रेटिंग मिली थी एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है न्यू एज सिनेमा मूवीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने और इस मूवी की हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा है फ्यूरस जिगरा वाला। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। दोस्तों, मूवी को देखना चाहते तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ये पेंसिल, जो कि 2016 में रिलीज हुई ड्रामा मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर रोमांस मूवी थी। स्मू के लीड रोल में जेबी प्रकाश, श्रीदिव्या, स्मू के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते तो आप इसमें को डेफिनेटली देखिएगा एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.4 out of 10 की रेटिंग मिलती है एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है रुद्रा डबिंग स्टूडियो में और इस मूवी को सेम नाम से डब करवाएगा। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। मूवी को देखना चाहते तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस मूवी का यूट्यूब लिंक किसी भी टाइम हट सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा ताकि आप इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं।
तेलिसा जो कि 2019 में रिलीज ड्रामा हॉरर कॉमेडी मूवी थी। स्मू के लिए रोल में अंजलि वर्मानंदम, योगी बाबू स्मू के लिए सरगास में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को एक ड्रामा हॉरर कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते तो आप इसमें को डेफिनेटली देखिएगा। इसमें के अंदर आप लोगों को ढेर सारा कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी। बट इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से एक एवरेज रेटिंग मिली है, जस्ट 3.3 out of 10 की रेटिंग मिली, जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है। एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है सन विजन डबिंग स्टूडियो में, और इसमें के हिंदी वर्जन का सेम टाइटल के नाम से इसमें को डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। मूवी को देखना चाहते तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सीता कथाई जो कि 2018 में रिलीज हुई ड्रामा कॉमेडी एक्शन मूवी थी। स्मू के लिए रोल में विजय सेतुपति, रामैया स्मू के लिए सरगास में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ड्रामा कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते तो आप इस मूवी को डेफिनेटली एक बार देखेगा। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग मिली थी। ये मूवी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है वियोंग डबिंग स्टूडियो में, और इस मूवी के अंदर वर्जन का सेम टाइटल के नाम से डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। मूवी को देखना चाहते तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसमें का डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा ताकि आप इसमें को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, या फिर आप इसमें को अमेजन प्राइम वीडियो पर भी जाकर देख सकते हैं। नंबर आठ पर मूवी आती है द्वारका, जो कि 2017 में रिलीज ड्रामा रोमांस एक्शन कॉमेडी मूवी थी। इसमू के लिए रोल में विजय देवरकुंडा, पूजा जावेरी, प्रकाश राज इसमू के लीड सरगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए इसमू की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.7 out of 10 की रेटिंग मिली थी। एंड ये मूवी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, स्पेशली इसमें को क्रिटिक्स की तरफ से एक अलग लेवल की रिस्पॉन्ड मिली थी। अगर बात की जाए इस मूवी की हिंदी डबिंग की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है श्री बालाजी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड ने। इस मूवी की हिंदी डबिंग को कम्प्लीट करवाई है, और इस मूवी की हिंदी वर्जन का सेम टाइटल के नाम से ही इसमें को डब करवाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मूवी प्रीमियर होने वाली है 29 अगस्त को रात के 8 बजे सोनीमैक्स के टीवी चैनल पर। एंड ये मूवी कौन से यूट्यूब चैनल पर आएगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो जैसे इस मूवी से जुड़ी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इसकी अपडेट हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। नंबर नौ पर मूवी आती है सीता, जो कि 2019 में रिलीज हुई ड्रामा रोमांस एक्शन कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लिए रोल में सरमज बैलम, कुंडा काजल अग्रवाल, मनरा इस मूवी के लीड सरगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर बात की जाए इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 4.7 out of 10 की रेटिंग मिली, जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है। लेकिन इस मूवी को हिंदी ऑडियंस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हिंदी में, तो जो लोग इस मूवी को हिंदी में देखने के लिए एक्साइटेड थे तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि इस मूवी का मोशन पोस्टर रिलीज़ हो चुका है। जहाँ तो आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की इसका जो बैनर है आर के डी डुगल स्टूडियो ने इस मूवी का मोशन पोस्टर रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि यह मूवी आप लोगों को एक या दो वीक के अंदर इस मूवी को यूट्यूब एंड टीवी पर रिलीज़ कर दी जाएगी। ये मूवी आएगी यूट्यूब पर आर के डी डुगल स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर। एंड ये मूवी कौन से टीवी चैनल पर आएगी ये मूवी अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, तो जैसे इस मूवी से जुड़ी कोई कन्फर्म अपडेट आएगी तो हम आपको इसकी अपडेट हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। नंबर दस पर मूवी आती है एनजीके, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी थी। स्मू के लिए रोल में सूर्या, रकुल प्रीत, साई पल्लवी स्मू के लीड सरगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए स्मू की आईएमडीबी रेटिंग की, दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.9 out of 10 की रेटिंग मिली थी। ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। अगर बात की जाए इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा था गोल्डमाइन टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने, और गोल्डमाइन टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने इस मूवी की हिंदी डबिंग को पूरी तरह से कम्प्लीट करवा ली है। लेकिन अभी इस मूवी को सेंसर बोर्ड की तरफ से क्लियर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो जैसे इस मूवी को सेंसर बोर्ड की तरफ से क्लियर सर्टिफिकेट मिलेगी या इससे जुड़ी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इसकी अपडेट हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों आज का ये वीडियो यही तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक ले, बाय, टेक केयर।